Hello friends, welcome to my channel Savvy Way, the way of smart learning, and today I am here with the current affairs of social issues. Social issues के current affair मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज. तो हमारा पहला topic है आज का childhood obesity. बचपन में जो बच्चे मोटे हो जाते हैं ये एक problem हो गई है इंडिया में, health problem के तौर पे उभर कर आई है childhood obesity. ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये lifestyle disease है. This is a lifestyle disease. Today children are not going for physical activity more. They are involved in the mobile phones, indoor games. आजकल बच्चे indoor games में, mobile phones में लगे हुए हैं. बाहर physical activity जैसे पहले बच्चे खेला करते थे उसके लिए नहीं जा रहे हैं. तो एक lifestyle change हुआ है. Less physical activities, eating patterns and children are going for the junk food. तो जो हमारी junk food है बच्चे वो खा रहे हैं, मतलब eating pattern change हो गया है. Pizza, burger बहुत ज़्यादा जिनमें trans fat वगैरह होता है, high sugar content होता है, इस तरह की foods की तरफ को जा रहे हैं. तो अब हमारे इस report की findings क्या हैं? 82% adolescents, 82% जो adolescent adult age में होते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें cardiovascular disease हो ही नहीं सकती. 82% adolescent thinks that they can't have cardiovascular disease. Cardiovascular disease क्या होती हैं? जो भी हमारी heart से related vascular disease होती हैं, मतलब जो हमारे heart से related, जैसे heart attack, choking, blocking, blockage हो जाती है arteries वगैरह में, ये सब disease. अभी जो poor eating habits हैं वो ओल्डर स्टूडेंट्स, बड़े स्टूडेंट्स में ज़्यादा हैं रादर देन छोटे स्टूडेंट्स, एंड जो एफ्लुएंट फैमिलीज से हैं, जो अच्छी खासी फैमिलीज से हैं उनमें ज़्यादा हैं. तो पुअर ईटिंग हैबिट्स आर मोर इन ओल्डर स्टूडेंट्स एंड दोज फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज रादर देन लोअर एंड मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं वो फिर भी हेल्दी डाइट खा रहे हैं इन कंपेयर टू अपर क्लास पीपल. जो अपर क्लास के लोग हैं वो जंक फूड खा रहे हैं. 20% ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने भी लोगों का जो सर्वे वगैरह हुआ है इसमें 20% ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, मतलब जिनकी फैमिली में किसी ना किसी को कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लॉकेज, ओबेसिटी, ये सब रहा है. तो 20% है फैमिली हिस्ट्री. अभी हमें टैकल कैसे करना है? अवेयरनेस फैलानी है लोगों में. वी हैव टू प्रोवाइड अवेयरनेस टू द पीपल दैट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कैन अकर एट एनी एज. ये नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में या 40s के बाद ही होंगी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये किसी भी एज में हो सकती हैं. चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर हेल्दी फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज़. पीपल आर गोइंग फॉर जिम नाउअडेज. तो ये सब चीज़ें हैं कि उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोला जाए कि हेल्दी फूड्स खाएं और फिजिकल एक्टिविटी करें. रेगुलेशन ऑफ मार्केट, प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड, जो कि हमारी कंपनीज प्रमोट करती हैं अनहेल्दी फूड, उसको रोकना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन विद द हाई सॉल्ट, शुगर एंड फैट कंटेंट. दीज कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है. चिप्स वगैरह में हाई सॉल्ट एंड ट्रांस फैट होते हैं, जो फैट कंटेंट होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं एक टाइम तक, वो फिर हमारी आर्टरीज में जमा होते चले जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे. फिर उससे हमें क्या होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है हमारे बॉडी पार्ट्स में. इट स्टॉप द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू आर बॉडी पार्ट्स बिकॉज इट स्टॉप्स, इट ब्लॉक्ड द पाथ ऑफ द ब्लड. तो जो हमारा ब्लड है उसका रास्ता रोक देते हैं. लेबलिंग, न्यूट्रिएंट लेबलिंग होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि इस फूड आइटम में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने ट्रांस फैट्स हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. हाई टैक्स ऑन शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, ज़्यादातर जैसे केरला स्टेट ने फैट टैक्स लगा दिया था 14.5% कि जो जिनमें ज़्यादा हमारे शुगर और साल्ट कंटेंट है या फिर ज़्यादा फैट कंटेंट है उन सब चीज़ों पर हाई टैक्स लगने चाहिए. अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं? जो हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है 5% ट्रांसफैट अलाउड है किसी भी फूड में, देर इज़ द 5% ट्रांसफैट इज अलाउड इन द इंडियन पैकेट फूड. ओके, बट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टूअर्ड 0%. जो हमारी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है वो कहती है कि ट्रांसफैट होना ही नहीं चाहिए, 0% होना चाहिए, बट इंडिया में स्टिल 5% अलाउड है. एंड सेलिब्रिटीज़ आर एंड्रोजिंग द फैट कंटेंट फूड,
जो फैट वाली फूड है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ उनका, जैसे नूडल्स वगैरह होती हैं, तो ये सही फूड नहीं है बच्चों के लिए भी या किसी के लिए भी, बट सेलिब्रिटी उन्हें एंड्रोस कर दे रहे हैं, सेलिब्रिटी उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो पीपल सोचते हैं कि वो फूड अच्छी है, सेलिब्रिटी खाते हैं उन्हें, बल्कि वो खुद तो ऐसा कुछ खाते नहीं है, खुद सैलड डाइट पे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स इंडिया में, वो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, प्योरली फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ दे आर बिफूलिंग द पीपल। फिर होता है कि जो हमारे लेबलिंग जो रेगुलेशंस है, लेबलिंग रेगुलेशंस आर नॉट प्रॉपर, द कंपनीज डू नॉट डिक्लेयर सॉल्ट, सोडियम, एडेड शुगर और फैट कंटेंट। जो कंपनीज है वो सही मात्रा नहीं बताते कि कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है और कितना फैट है इसके अंदर, सैचुरेटेड फैट। इवन कोई पॉलिसी भी नहीं है टू रिड्यूस ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट एंड स्कूल इन स्कूल्स एंड प्रोमोटिंग हेल्दी फूड। अभी तक गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी लेके नहीं आई है कि ऐसा कुछ हो कि जो हेल्दी फूड को प्रमोट किया जाए रादर देन जंक फूड, और ओबिसिटी को कंट्रोल किया जाए। GST ऑन शुगर एंड स्वीट एंड बेवरेज डिड इंक्रीज दिस ईयर। GST तो लगा दिया है, बढ़ा दिया गया है ओबेसिटी को टैकल करने के लिए, कि जो शुगर स्वीट एंड बेवरेजेस हैं उन पे हम ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा टैक्स लेंगे, ज़्यादा GST लगेगा, जिससे कि लोग उनका कंजप्शन कम कर देंगे, महंगी हो जाएंगी चीज़ें। ओबेसिटी को ख़त्म करना इज़ अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टू एंड द ओबेसिटी इज़ द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड WHO's ग्लोबल एक्शन प्लान। इनका ये पार्ट है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। WHO का एक ग्लोबल एक्शन प्लान है, वो WHO चाहता है कि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं NCDs, उनको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए 2013 से 2020 के बीच में। प्राइवेटाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेलेक्ट सर्विसेज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि नीति आयोग ने और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रपोज्ड अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन ट्रीटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो अब हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही हैं, जो भी हमारी कार्डियोवास्कुलर, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ओबिसिटी हो गई, मोटापा हो गया, ये सब हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, ओबिसिटी, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इवन शुगर, लोगों को शुगर हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये कंट्रोल की जा सकती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड बाय वेक्टर्स। जो हमारे मच्छर, मॉस्किटो वगैरह होते हैं, वेक्टर इन्हें कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये लाइफस्टाइल दे कैन बी कंट्रोल थ्रू चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट। अच्छा ट्रीटमेंट देके और लाइफस्टाइल में चेंज करके इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में हो रहे। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर ने कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहते हैं इस चीज़ में। एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जॉइंटली, जॉइंट होना चाहिए, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज इंडिया में पीपल प्रेफर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पीपल इंडिया में जो भी थोड़े ठीक ठाक लोग हैं वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर जाना चाहते हैं रादर देन गवर्नमेंट। तो जब प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हो जाएगी, इफ़ देयर इज़ द ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर, देयर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, कॉस्ट, इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ केयर। मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कि वो लो क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा सर्विसेज की और थोड़ा लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस करता है फॉर बेटर क्वालिटीज, तो ये सब इश्यूज हो जाएंगे। फीचर प्रपोज्ड अंडर द प्लान, अब फीचर्स क्या हैं, 30 ईयर लीज पे देंगे, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 30 ईयर लीज ओवर द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग्स एंड लैंड टू सेट अप 50 और 100 बेड हॉस्पिटल इन द टाउन्स अदर देन द मेट्रोपोलिस। जो हमारी गवर्नमेंट है वो 30 ईयर की लीज पे प्रोवाइड कराएगी प्राइवेट सेक्टर को, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग प्रोवाइड कराएगी या फिर लैंड प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो लोग क्या कर सकें, 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल बना सके मेट्रोपॉलिटन टाउन्स को छोड़ के। जो इंडिया के 8 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो दिल्ली में अपना एम्स वगैरह है, मुंबई में काफ़ी सारे हैं, तो इस तरह से उनको छोड़ के बाकी अदर एरियाज़ में।
देयर विल बी एन एस्क्रू अकाउंट, एक एस्क्रू अकाउंट होगा वहाँ पे टू ऑफसेट द रिस्क टू प्राइवेट सेक्टर. जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसको भी तो रिस्क हो सकता है कि वो अपनी मनी लगा रहा है, तो गवर्नमेंट एक एस्क्रू अकाउंट बना देगी. क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में देर आर लॉट ऑफ डिलेज इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इन ऑर्डर टू ऑफसेट दैट रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग एन एस्क्रू अकाउंट. एस्क्रू अकाउंट ऐसा बनाएगी गवर्नमेंट कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी डिले की वजह से लॉस होता है तो वहाँ से कंपनसेशन दिया जा सके. प्राइवेट सेक्टर कैन बी कंपनसेटेड थ्रू द एस्क्रू अकाउंट. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये किस किस के लिए यूज़ होगा? पीपीपी मॉडल थ्री नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए. हमारी तीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? कार्डिक डिसीज़ जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, पल्मोनरी डिजीज़ जैसे हमारे लंग से रिलेटेड है, एंड कैंसर. दीज आर थ्री कार्डिक डिजीज, थ्री नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारे हार्ट, लंग्स और कैंसर. कैंसर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं. अब क्या है, गवर्नमेंट कैसे मतलब हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर्स को? प्राइवेट सेक्टर अपना बिल्डिंग अपग्रेड कर सकते हैं, इक्विपिंग द फैसिलिटी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी, ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी कि दे कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू दैम. वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट कंट्रोल करें, अपने हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, एंड गवर्नमेंट में प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टेज ऑफ फंड. अगर पैसे की कोई कमी होती है, फंड की कमी होती है, तो गवर्नमेंट गैप को फंड करेगी. वो जो गैप हो जाएगा ना फंडिंग में, गवर्नमेंट विल फंड दैट गैप. कोई रिजर्वेशन का चक्कर नहीं है कि नो रिजर्व बेड्स एंड नो कोटा बेड्स फॉर फ्री सर्विसेज इन दीज फैसिलिटीज़. मतलब फ्री सर्विसेज का कोई वो नहीं होगा, जो आएगा पे करेगा उसको मिल जाएगा बेड. पॉजिटिव्स क्या हैं? इट कैन इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में देर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर. मैन पावर भी नहीं है, ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं है, क्वैक्स ज़्यादा हैं, जो झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं क्वैक्स, वो ज़्यादा हैं. मतलब जो सर्टिफाइड नहीं है, इतने एलिजिबल नहीं है, इस तरह के डॉक्टर्स ज़्यादा हैं. तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेगी. 72% इन रूरल एरिया एंड 79% इन अर्बन एरिया पीपल गो फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर रादर देन गवर्नमेंट. लोगों को 72% गांव में और 79% शहरों में प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग. 50-100 बेड्स विल इंक्रीज, जो हमारे 50-100 बेड्स हैं इंक्रीज होंगे. डीकंजेशन, भीड़ कम होगी. जब डेंगू फैला था तो बेड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, दिल्ली में बेड्स नहीं थे, तो फिर लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, पीपल वर डाइंग, तो लोग मर रहे थे, तो उस चीज़ को ये कंपनसेट करेगा. रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर कॉमन मैन. थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा इससे. जो फुल्ली प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो जो चार्ज करते हैं उतना ये नहीं चार्ज करेंगे, कम चार्ज करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट भी फंडिंग प्रोवाइड करा रही है. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन विल एंश्योर रेफरल्स. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन विल रेफर टू दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर है वो उसकी ड्यूटी बनेगी कि जो जहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर हैं रूरल एरियाज़ में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, डिजीज़ स्क्रीनिंग सेंटर हैं, अगर वहाँ पे किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है या टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो रेफ़र करेगा. कौन रेफ़र करेगा? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को रेफ़र करेगा. ओके, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चेरी पिकिंग. चेरी पिकिंग मीन्स द प्राइवेट सेक्टर्स विल पिक दोज डिस्ट्रिक्ट्स इन विच पेशेंट कैन पे हायर. तो पेशेंट जहाँ पे ज़्यादा पैसा दे सकते हैं ये उस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल लगाना पसंद करेंगे. इट विल अगेन वर्सन द इनइक्वालिटी, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं. दैट डिस्ट्रिक्ट हैव ऑलरेडी लॉट मैनी हॉस्पिटल. इफ़ पीपल कैन अफोर्ड द services from the private sector, there may be already hospitals. So this will worsen the inequality again. तो जो हमारी already inequality हो रखी है कि भाई कहीं rural areas में नहीं है और urban areas में काफ़ी health care है, तो वो further बढ़ जाएगी. It will expose thousand of patient to unethical practices by private providers. Private providers may follow unethical practices, जो कि वो follow कर रहे हैं. They can charge more money, ज़्यादा पैसा charge कर सकते हैं, जैसे कि stunt
वगैरह के लिए हुआ था कि स्टंट का जितना कॉस्ट होती थी उससे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर वर चार्जेस मोर देन ट्वाइस फॉर द स्टंट बिफोर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड द प्राइजेस ऑफ द स्टंट। स्टंट के जब प्राइस रेगुलेट नहीं थे तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग। तो इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है, दिस कैन बी अनसस्टेनेबल। अगर हम अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर देंगे प्राइवेट सेक्टर को तो ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दे कैन डिमांड मोर फीस, मोर रीइंबर्समेंट। तो वो मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली ये चीज़। पे फॉर द केयर इवन इन पब्लिक फैसिलिटीज़। नाउ पीपल डोंट पे इन पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक एम्स, द ट्रीटमेंट्स आर फॉर फ्री। जो एम्स वगैरह हैं उनमें ट्रीटमेंट फ्री है, पब्लिक हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन फिर उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए भी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फेलियर टू कंसल्ट द ऑल द स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट डिडंट कंसल्टेड ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिया। गवर्नमेंट ने सब लोगों से पूछ के ये चीज़ नहीं बोली है, ठीक है। द एक्ट मे बी कॉल्ड एज द एबडक्शन ऑफ द ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। इसे कह सकते हैं एबडक्शन ऑफ द ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी किसी और को दे रही है, किसी और पे पास कर रही है। इट इज़ हैंडलिंग ओवर द पब्लिक असेस टू द प्रॉफिट कंपनीज। तो जो पब्लिक लैंड है, जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर जो बिल्डिंग है, पब्लिक असेस्ट हम किसको दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को, फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनीज विल मेक प्रॉफिट फ्रॉम देम। तो पब्लिक असेस्ट पब्लिक चीज़ों से, जो लोगों की चीज़ें हैं उनसे प्राइवेट कंपनी पैसा बनाएंगी, और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी से भाग रही है। सजेशंस क्या हो सकते हैं, द पॉलिसी मे बी जस्टिफाइड बिकॉज देर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, रादर देन डाइंग यू कैन पे एंड हैव सर्विसेज। मरने से अच्छा है कि आप अपनी पैसे दो और सर्विसेज ले लो, ठीक है। शॉर्टेज है हमारे पास, बेड नहीं है लोगों के लिए, तो ये पॉलिसी उस केस में जस्टिफाइड भी हो सकती है एक तरह से, कि लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा कि प्राइवेट हेल्थ केयर ही उन्हें सर्विस प्रोवाइड करा दें। लेकिन एक सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है कि गवर्नमेंट कैन एनहेंस द इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है हेल्थ केयर में, नए नए एम्स खोल सकती है, नए नए हॉस्पिटल्स खोल सकती है, रादर देन पासिंग देम टू द प्राइवेट सेक्टर, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकती है हेल्थ वर्कर्स को। यहाँ पे एक स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म ये है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इनएफिशिएंट है, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता, दे आर इनएफिशिएंट, नीड टू एड्रेस। ये चीज़, ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होंगी, गवर्नमेंट को वर्क करना होगा और ये सब चीज़ें सॉल्व करनी होंगी कि नई गवर्नमेंट भी जैसे एम्स प्रोवाइड करा रहे हैं फैसिलिटीज़, इस तरह से और हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो अब हमारा एक प्लान है मलेरिया को एलिमिनेट करने का। तो मलेरिया जो हमारी 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं इंडिया में, उनमें से एक है। तो हमारे देर आर 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज इन इंडिया एंड मलेरिया इज़ वन ऑफ देम। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लैरियासिस, जैपनीज एनसाइफ्लाइटिस एंड विस्कैरल लेशमीनियासिस। थर्ड हाईएस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया इन द वर्ल्ड, इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्ड हाईएस्ट केसेज हैं मलेरिया के। तो अब हमारे क्या हैं, जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं, द एफ़र्ट्स टू एलिमिनेट द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। हमने एफ़र्ट्स किए हैं कि हम मलेरिया को 2030 तक एंड कर देंगे। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन सेज दैट टू एंड द मलेरिया बाय 2030। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च्ड इन 2017 जुलाई 2017। अब हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है कि मलेरिया को ख़त्म करना है, वो जुलाई 2017 में आया है। हमने वैसे टारगेट तो 2030 रखा है, लेकिन प्री एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया बाय 2027, 2027 तक ख़त्म कर देंगे। टारगेट 2030 रखा है, बट हम ट्राई करेंगे कि 2027 तक ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मलेरिया सर्वाइलेंस चेक करेंगे कि किस किस लोगों को मलेरिया है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द आउटब्रेक, जल्दी पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और प्रिवेंट करेंगे, रादर देन कि वो और लोगों में फैले उससे पहले ही। प्रिवेंटिंग ऑफ मलेरिया By use of long lasting impregnated nets, ये टेक्नोलॉजी है मलेरिया को प्रिवेंट करने की। इफ़ेक्टिव इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, मच्छर के लिए जो हमारा हिट वगैरह स्प्रे करते हैं उस तरह से। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन,
इसमें हमारा चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 0 से लेके 3, चार कैटेगरीज हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज फ्रॉम 0 to 3। कैटेगरी 0, 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन विच नो केस ऑफ मलेरिया सीन इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में जहां मलेरिया का कोई केस नहीं हुआ, तो वो किस में आ जाएंगे, कैटेगरी 0 में। कैटेगरी 1, जहां पे मलेरिया के केस तो हुए हैं लेकिन वो लेस देन 1 है, मलेरिया केसेस आर लेस देन 1 अमंग 1000 पर्सन, एवरी 1000 पर्सन, हर 1000 व्यक्ति पे सिर्फ एक मलेरिया के केस से भी कम है, तो उस वो वाले आ जाएंगे हमारे कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में हमारे कि जहाँ पे मलेरिया के केसेस 1 या 1 से ज़्यादा हैं, मोर देन 1 और मोर देन 1 बट लेस देन 2, लेकिन 2 से कम है, पर 1000 पर्सन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, ओके। एंड कैटेगरी 3, वेयर मलेरिया केसेस आर मोर देन 2 और 2, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हैं पर 1000 पर्सन पे। तो हमारा टारगेट क्या है, एलिमिनेट मलेरिया कम्प्लीटली बाय 2022 इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हम 2022 तक मलेरिया ख़त्म कर देंगे। हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हमारा फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम है, इंडिया में सारे सिस्टम अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग इन देयर वर्किंग्स, तो अपनी वर्किंग में कोऑपरेट नहीं कर रहे, फ्रेगमेंटेड है। पुअर कलेबरेशन अक्रॉस द एजेंसीज, सेक्टर्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट कॉल फॉर एन इम्प्रूव्ड इंटर सेक्टरल वर्क। अब हमें एक साथ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, पंचायत, ग्राम पंचायत, अदर फैक्ट्रीज, अदर हेल्थ फैसिलिटीज़, सब एक साथ मिलकर काम करें टू एलिमिनेट द मलेरिया। जेनेटिक चेंज इन पैथोजेंस, म्यूटेशन हो जा रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस, जो पुरानी ड्रग्स हैं उनसे रेजिस्टेंस हो गए, मतलब उनसे अब मच्छर नहीं मर रहे हैं, मलेरिया नहीं ख़त्म हो रहा है उन ड्रग्स से, जो पुरानी वाली दवाइयाँ हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही हैं मलेरिया के ऊपर। और पुअर अर्बन प्लानिंग में देर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट, एंड देर इज़ लैक ऑफ सैनिटेशन, तो साफ़ सफाई नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी मलेरिया फैल रहा है। इन सब बातों को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है, लैक ऑफ फंडिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिलीज फंड, जो हमारा पैसा प्रोवाइड कराया गया है उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसका अंडर यूटिलाइज हो रहा है। एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारे मच्छर वगैरह होते हैं, मतलब कोई भी कीड़े वगैरह होते हैं जो ये हमारे कीट पतंगे, इनके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, हु कैन रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर पॉपुलेशन, जो हमारे मच्छर वगैरह इन सब पे रिसर्च कर सकें कि ऐसा क्यों होता है, या फिर इनको कैसे सप्रेस किया जा सकता है मलेरिया को, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।